बाड़ा में हंसाबाज खुर्द के ग्रामीणों में नगर पालिका को लेकर रोष है। ग्रामीण बीते कई दिनों से नगर पालिका का दर्जा रद्द कर पुनः ग्राम पंचायत की बहाली की मांग कर रहे हैं। उसी के चलते नगर पालिका के अंतर्गत टीम बाड़ा में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित सेल्फ असेसमेंट बांटने पहुंची तो ग्रामीणों ने उसका विरोध जताते हुए टीम को बेरंग लौटा दिया। बाद में ग्रामीणों ने बाड़ा व्यापार मंडल प्रधान संदीप सिंटी व विद्यानंद हंसाबास की अगुवाई में नगर पालिका कार्यालय पर एकत्रित होकर वहां नारेबाजी कर रोष जताया। साथ ही नगर पालिका कर्मचारियों को चेतावनी दी कि दोबारा उनके गांव में नगर पालिका से संबंधित किसी भी प्रकार के कागजात लेकर न आए। सबको पता है मामला हमारा 2-3 महीने चला रहा है और उसमें हम हर तरह प्रतिनिधि जो यहाँ बाड़ा क्षेत्र के चाहे विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के सभी से मिले हैं। सभी ने आश्वासन दिया कि आपका ये जो है ना नगर पालिका हमने नियम है ताक पर रख के बनाई थी और अगर आप नहीं चाहते हैं तो जल्द ही पंचायत का दर्जा दे देंगे, इसको खत्म कर देंगे। बार बार आश्वासन दिया गया, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात थी चाहे वो यहाँ से विधायक थी श्री दीनानाथ चौटाला जी उनकी बात थी, हमें धोखे में रखा गया बार बार। और जनरेशन ने ये कहा कि आपकी टूट जाएगी, लेकिन सभी के आश्वासन के बाद आज जून का तो हमारा मसला फरियाद फिर दोबारा से हमें पता चला कि जो नगर पालिका की आईडी है प्रॉपर्टी वो बांटी जाए। उसका जब ये पता चला तो दोनों गांव के लोग अंबार गाँव में पूछे और उनका विरोध किया है, वो हमने नहीं बढ़ने दी। और जब तक ये नगर पालिका हमें आज पता चला कि लोगों को आज पता चला कि नगर पालिका के फायदे नुकसान क्या है, क्योंकि आईडी में दर्शाया गया है कि इसमें आपको ये टैक्स लगेगा ये टैक्स लगेगा और ये कर होगा, तो आज लोगों को पता चला। जो 2-4 लोग गांव में ऐसे भी भ्रमित थे वो भी आज इस पक्ष में आ गए कि नगर पालिका वाक्य में हमारे लायक सोता नहीं, हम पंचायत चाहते हैं पंचायत का दर्जा दिया जाए। जी ये मामला है हमारे जो निदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप जो यासी कंसल्टेंसी ने जो प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया था उसके असेसमेंट बांटने स्टार्ट हुए थे, जिसमें गांव वालों को कुछ प्रॉब्लमें थी कि वे इसको टैक्स का फॉर्म समझ रहे थे। ठीक है, उन्होंने इस अपने ज्ञापन में लिखा है कि प्रॉपर्टी आईडी का जो है ये असेसमेंट है ये ना बांटे जाए। मेरे द्वारा इन ग्रामीणों को समझाया गया कि इट इज़ ए सेल्फ असेसमेंट फॉर्म है, इसमें आप खुद भी अपना चेक कर सकते हैं, यदि कुछ भी इसमें त्रुटि लग रही है तो आप ऑनलाइन PMS हरियाणा पे जाके इसको ठीक कर सकते हैं और हमारे यहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी है नगर पालिका में, यहाँ आके आप ठीक करवा सकते हैं। क्योंकि ये गांव से नगर पालिका बनी है तो गांव वालों के बीच में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं जिनके लिए हम बार बार गाँव वालों का सहयोग भी चाहते हैं कि यदि कोई भी दिक्कत आ रही है आपको किसी भी चीज़ में समझने में तो हम 24 आवर्स उनकी हेल्प के लिए रेडी हैं, मेरा हेल्प डेस्क यहाँ पर रेडी। ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया है जो आपने ज्ञापन दिया है ये सक्षम प्राधिकारियों को के संज्ञान में ला दिया जाए।